चकिया ब्लॉक में महिलाओं ने प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। प्रधान से तंग आकर इन महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। हमारा नाम किरण सिंह है, मैं ग्राम पंचायत मैनपुर से हूँ। क्या समस्या है आपके गांव की? सर, हमारा समस्या है कि हमारे गांव में जैसे बहुत से गरीब लोग हैं जो कि राशन कार्ड के पात्र हैं लाल कार्ड के, लेकिन उनका लाल कार्ड था भी तो उनका काट करके जो जैसे 30 बीघा 35 बीघा वाले हैं उनको दे दिया गया है। वो उस पर राशन लेते हैं, लेकिन गरीब लोग जो राशन कार्ड के पात्र हैं उस पर राशन नहीं ले पाते हैं। उनका राशन कार्ड था भी, वो भी कट गया है। और हमारे गांव की एक समस्या है कि हमारे गांव के बच्चों के लिए जाने के लिए स्कूल में रास्ता नहीं है। हम लोग रास्ते के लिए 2-3 बार आवेदन भी दे चुके हैं ब्लॉक ऑफिस में, तहसील दिवस में, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रधान हमारे गांव का अपना RCC दिखा देते हैं, जो कि वो RCC रास्ता जो है प्रधान के गेट में से जाता है और वो और आगे से भी जाता है, तो छोटे छोटे बच्चा है जो कि नहर में है, नहर है, पानी भरा रहता है, तो उसमें बच्चे गिर जाएंगे। और जो हमारे गांव से रास्ता है वो रास्ता हम लोग बनवाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में एकदम दिक्कत ना। मेरा नाम सर तारा देवी है, मैं ग्राम पंचायत मैनपुर से हूँ। और जो है कि मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है, केंद्र नहीं है, लेकिन वहां पे टीकाकरण के लिए और जो है कि ये गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, नवजात शिशु के लिए टीकाकरण करवाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। नाराजता है कि महिलाएं कैसे जाकर अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएंगी। और गरीब बहनों के लिए जो विकलांग हैं उनका ना आवास है, ना ही उनका जॉब कार्ड बना है, और ना ही उनके पास ये विकलांग पेंशन जो बना है वो भी नहीं बना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार तक हम लोगों की आवाज़ जाए और वो उस पर ध्यान दें, सरकार हम लोगों की सहायता करे, आंगनबाड़ी केंद्र भी बने और स्कूल के जाने के लिए रास्ते भी बने, बच्चे और गर्भवती महिलाओं स्वास्थ्य पे हम लोग का कार्य अच्छे से होके। अपने प्रधान जी से समस्या सर, हम लोग अपने प्रधान से कहें, प्रधान जी बोले कि हम अपना दे दिए हैं, लेकिन वो 5 साल से दे रहे हैं, 2015 से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम दे दिए हैं, आ नहीं रहा है। हर जगह पर बन गया आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे यहाँ बना नहीं है। हम आंगनबाड़ी हेल्पर हैं सर,